Verbies. Rolling. Action. ओके चलो अभी तुम लोग हट जाओ आने नजर आएगा हेलो अरे अभी हुआ इसे कॉन्फिडेंस से मत सिर्फ अपना काम छोड़ के माइक सीख जाऊंगा अभी अंदर भी रहने जा हाँ सर हाँ सर पता नहीं लोग जितने ना यहीं से दिक्कत हो सब कुछ इधर आप एंड वेलकम हमारे सभी यहाँ बच्चे उनके अध्यापक और उनके साथ आए हुए परिवार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम की तालियां 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 हमारे इस फंक्शन को हम शुरू करते हैं एक स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ जी हाँ मिसाल देता है जी हाँ ये और इनके पति इन्होंने कई अड़चनों से सामना किया और दुनिया के ताने सुने परिवार वालों से लड़े लेकिन कभी इनका प्यार कम नहीं हुआ जी हाँ ये आज भी भूमि में पैर बोलता जा बोलता एक साथ जी सर ये आज भी एक साथ है और ये सिर्फ एक पत्नी ही नहीं दोनों से कैमरा भूमि पे जाओ बाकी कैमरा से मैंने तो रुक देना अरे दोनों एक कैमरा तो बोल रहा हूँ यार यही नहीं कान में करो ये सर पैर एक्शन पैर यही नहीं इन्होंने एक पत्नी होने के साथ साथ अपने बाकी सभी रिश्तों को और हमें इस बात का गर्व है अरे भूमि पे जाओ एक जो वाला कैमरा पर हम अपनी भाई प्लीज पैर पैर
गाना को दे रहा हूं राजू का पीछे 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 लेफ्ट बात कर रहा था ये बोले बच्चा पीछे देख रहा था क्या ब्लैक शर्ट में जो है चलो आप चलो खड़े बात फ्रेम में उजागर टाइमिंग मैच रोलिंग वन मोर अभी ऐसा मत करो
क्या हुआ है आज काफी मतलब हमेशा आप चाहते हो मतलब कोशिश
कोशिश रही है भूमि को और साहिल को मिलाने की, यहाँ पे वेदिका आई है, मतलब क्या हो रहा है? एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे वेदिका डांस करेगी. मैं तो खुशी खुशी साहिल को यहाँ लेकर आई थी कि भूमि वेद को यहाँ लाई है वो क्रिसमस पार्टी के लिए, बट हम शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि वेदिका यहाँ है. और जैसे ही वो डांस शुरू करती है साहिल उसकी तरफ चले जाता है, तो मुझे और भूमि को इस बात का बहुत गुस्सा आया हुआ है. तो वेदिका काफ़ी मतलब कोशिशें कर रही है, बहुत कोशिशें. हाँ, तो क्या लगता है इस जंग में कौन जीतने वाला है? अब तो आगे के सीन्स ये हैं जहाँ पे मैं धमकी देती हूँ अपना इसको वेदिका को कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो उसे जैकी बना के रहूँगी. बस अभी तो आगे के और सीन्स नहीं आए हैं, तो आप देखते रहिए आपके आ जाने से. ओके, वेदिका और साहिल का डांस हुआ, काफ़ी क्लोज मोमेंट्स, राइट, इसके बारे में आप क्या कहो? अभी क्लोज मोमेंट्स हुए हैं तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे और भूमि को ये सब देख के, बिकॉज हमें लगता है कि कहीं वो सच में उसकी आदर्श वापस ना आ जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए वेदिका का ना बन जाए, ये डर रहता है बस हमें. हम तो आगे बस प्लानिंग करते रहेंगे और कि किस तरह हम उसे जैकी बना के रखें. ओके, थैंक यू. मेरा या फिर भूमि का? भूमि का ही. सो एंगेजमेंट वाला जो सीन होता है जहाँ पे वो एंगेज वो रिंग वेदिका को पहना देता है, वहाँ तक तो अभी तक मतलब सेफ है हम लोग, मैं और उषा. एंड बस दोनों के दिमाग में यही है कि रोज़ उसे जैकी फील कराना है और जल्द से जल्द शादी करनी है, उसे सब कुछ छीना है. और मेरा प्लान है कि मैं वेद और साहिल को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, बट आज जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है वेद के स्कूल में, वहाँ पे अगेन वेदिका परफॉर्म करती है स्टेज पर और साहिल यू नो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, बिकॉज यू नो उसकी जो भी मेमोरीज वापस आती है. तो अगेन वापस एक नया मोड आ गया जहाँ पे वेदिका मुँह तोड़ जवाब देती है मुझे परफॉर्म करके, जहाँ पे यू नो साहिल को खींच रही है उसके टूवर्ड्स. तो फिलहाल मूड अच्छा था, बट मूड अभी थोड़ा ख़राब हो गया. वैसे वेदिका ने जो खींचा है साहिल को अपनी तरफ, तो आगे की मूव क्या होगी? आगे उसको जैकी फिर कराया जाएगा या कुछ वेदिका के खिलाफ बढ़ जाएगा? मेरा टेक इसके ऊपर यही होगा कि पहले अगर अब वेदिका ने मुँह तोड़ जवाब दिया है तो भूमि तो बिल्कुल उसके ऊपर ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब देगी. तो ऑब्वियसली उसे वो चैलेंज करेगी, बोलेगी उसे कि नाच गाना करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम साहिल को छीन लोगी. एंड लेटर ऑन स्टेज हमारी शादी होगी, तो वहाँ तक तो प्लान सेट है कि वहाँ तक तो मतलब शादी तो होने वाली है, बट उसके बाद पता नहीं क्या, मतलब वही है ना, कभी भी एवरी डे इज़ अ न्यू डे, कभी भी साहिल की याद आ सकती है, सुबह वापस आ सकती है, तो पता नहीं क्या. जब तक जो मोटिव है वो खत्म नहीं हो जाता, जो हमारा मोटिव है कि मुझे साहिल और वेद चाहिए, उषा को साहिल की प्रॉपर्टी चाहिए, तो जब तक ये मोटिव मतलब जो बदले की जो आग है जब तक बुझ नहीं जाती तब तक तो ये जंग रहने वाली है. इट्स माई रिसेप्शन गाउन एज यू ऑल कैन सी मोर देन द क्रिसमस. हाँ, बट इट्स लाइक इट्स अ रेड कलर, क्रिसमस फीलिंग आती है. और मैंने ऐसे गाउन कभी हैंडल किए नहीं है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार गाउन पहन के, मज़ा आ रहा है. थैंक यू.